पसीना पसीना हो रखा है आज तो, वीडियो भी नहीं बन पा रही सही से। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित जी फिश लाइफ चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है गोल्ड फिश के बारे में। तो कई लोगों के सवाल रहते हैं कि गोल्ड फिश के बारे में आप मुझे बताइए कि मेल और फीमेल कैसे रहते हैं इसमें, कैसे हम पता करें कि गोल्ड फिश में मेल और फीमेल के क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे हमको पता लगा सकें कि जो मेल है या कोई फीमेल है। दोस्तों, ये सवाल आप लोगों का आज क्लियर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि गोल्ड फिश में कैसे पता करें कि मेल फिश और फीमेल फिश के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों हाँ, मेरा वीडियो पूरा देखिए तभी आप लोगों को पता चलेगा गोल्ड फिश में मेल और फीमेल कैसे पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाला ये एक्वेरियम में कुछ मछलियाँ जो पड़ी हुई हैं, मैं इनमें से निकाल के आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पता करें कि हमारा इसमें मेल है, कौन सा फीमेल है। तो ये जो दो गोल्ड फिश है, मैं इनको निकाल के दिखाऊंगा, और एक गोल्ड फिश ये वाली है जो इसको वाइट गोल्ड बोलते हैं, मैं इन तीनों को भी निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा, इसमें से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। एक बार में आपको पता कर लोगे जब भी आप गोल्ड फिश लेने जाओगे कि मेल और फीमेल अगर आपको चाहिए होती है तो तुरंत पता कर लोगे एक बार में कि कौन सी उसमें मेल है, कौन सी फीमेल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इसको मछली को निकालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस बाल्टी में निकालूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा इस तरीके से मछली को। पहले इसके अंदर थोड़ा सा पानी भर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मछलियाँ तो मैंने निकाल ली हैं, अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कौन सी मछली इसमें मेल है, कौन सी इसमें फीमेल है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ कि अगर ये जो इसका जो मुंह होता है, ये वाला जो एरिया होता है इसका, ये जो एरिया, इस पर अगर आपको कभी डॉट दिखें, डॉट हल्के से आपको 6-7 डॉट दिखेंगे वाइट कलर के, अगर आपको इस वाले एरिया पे डॉट डॉट दिखें तो समझ जाना ये मेल है, समझ जाना ये मेल है। ये तो हो गया पहला डिफरेंस। और ये दूसरा डिफरेंस है, ये जो हमारा ये जो मछली का जो पहला वाला ये पंख होता है ना मुंह के पास वाला, इसको आप ऐसे पकड़ के देखो, ये आप इस तरह से पकड़ के देखो, इस तरह से पकड़ के देखो। अगर आपको ये चिकना चिकना मालूम पड़ रहा है तो समझ जाओ ये बिल्कुल फीमेल है, और इसके ऊपर डॉट भी नहीं है तो इसका मतलब ये फीमेल है। सबसे बड़ा यही होता है कि ये जो पकड़ के देखो आप फिन, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और बिल्कुल चिकना होगा, इसकी जो हड्डी होगी बिल्कुल चिकनी चिकनी हड्डी होगी। ठीक है, तो समझ जाइए आपकी ये फीमेल गोल्ड फिश है। अब दोस्तों, इसमें आपको मैं मेल बताने वाला हूँ। ये जो है ये इसका मेल है, नहीं मेरे अंदाज से ये भी फीमेल ही है, सेम है। तो ये जो वाइट वाली आ गई है ये इसका मेल है। अब आप लोगों को दिखाना चाहूँगा मेल में डिफरेंस, काफ़ी हिल रही है। देखो ये इसका जो 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 पंख है ना आगे वाला, ये आप लोगों को खुद ही दिखाई पड़ रहा होगा कितना मोटा पंख है ये, और इसके ऊपर अपना नाखून अगर आप लाओगे ना तो आपके छोटे छोटे डॉट दिखाई पड़ेंगे। देखिए आपको अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये देख सकते हैं आप,
छोटे छोटे डॉट हैं इसके ऊपर तो। और ये यहाँ पे भी हल्के हल्के डॉट दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, देखो शायद कैमरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हल्के हल्के डॉट हैं लेकिन इसमें थोड़े से और डार्क डॉट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा आप लोगों को यही करना पता करना है कि यहाँ पे आप लोगों को अगर डॉट दिख रहे हैं तो ये मेल है, और ये जो फिश हैं इनमें अगर आपको बिल्कुल चिकना चिकना ये जो आगे का इनका जो पंख लग रहा है ये वाला एरिया, तो समझ जाइए कि बिल्कुल ये फीमेल है। तो यही सबसे बड़ी पहचान रहती है गोल्ड फिश के बारे में, कैसे पता करें मेल और फीमेल है। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहीं बंद करता हूँ, और आपको कोई भी अगर सवाल हो मुझसे तो और भी किसी फिश का बारे में वीडियो अगर बनवाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कभी भी इन्फॉर्मेशन आपको डालूँ तो मिलती रहे, और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाना, कमेंट करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिनके घर में एक्वेरियम होते हैं उन लोगों को मेरा वीडियो दिखाना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती है मेरी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।